नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं मफलर विद स्कार्फ लेकर आई हूँ, जो कि बहुत अच्छा बनने में लगता है और पहनने में भी सुंदर लगता है और बनाने में बहुत सरल है। ये मैंने दो डिज़ाइन डाल लिए इसमें, एक ये वाला और एक मैंने ये वाला। 42 फंदे मैंने डाल लिए इसमें। नीचे से स्टार्ट किया और मैंने पहले 1 2 4 सिलाइयाँ, मैं 8 सिलाइयाँ, 6 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी चढ़ा के उसमें बड़ा डिज़ाइन बनाया है। उसमें फिर 4 सीधी, फिर डिज़ाइन, फिर मैंने ये वाला डिज़ाइन, उसके आगे मैंने सीधी सीधी सिलाइयाँ चढ़ाई हैं। एक साइड मैंने बना ली है, दूसरी साइड बनानी है, फिर जहाँ सेंटर से हमने इसको बंद कर देना, दोनों तरफ से जोड़ देंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं ये वाला डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ, ये वाला, और फिर मैं ये वाला सिखाऊंगी दोनों। ये तीन तीन फंदों का डिज़ाइन है ये वाला। पहले मैं वैसे सीधी सिलाई चढ़ा लेती हूँ, एक सिंपल सीधी, आप चाहो तो एक डिज़ाइन भी डाल सकते हो, आप चाहे तो सीधा सीधा ही बुन सकते हो, अपनी इच्छा के अनुसार है। मैंने वैसे दो डिज़ाइन डाल लिए। ये देखो, पहले धागा, पहले फंदा हमने वैसे उतार लेना, धागा आगे, फंदा उतारा, दो सीधे फंदे बुन लिए। जो फंदा हमने उतारा था ना, उसे दो फंदों के ऊपर से ऐसे उल्टा देंगे, यानी कि एक फंदा हमारा घट जाएगा। इधर हमने एक फंदा बढ़ा लिया, एक हमारा घट गया। फिर धागा आगे, एक फंदा उतारा, दो सीधे बुन लिए। जो फंदा हमने उतारा था उसे इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर धागा आगे, फंदा उतारा, दो सीधे फंदे बुन लिए, इसके ऊपर ऐसे से उतार दिया। फिर धागा आगे, फंदा उतारा, दो सीधे फंदे बुन लिए, फिर इसके ऊपर से ऐसे। फिर धागा आगे, फंदा उतारा, दो फंदे बुने, इसके ऊपर से ऐसे। तीन फंदों का ये डिज़ाइन है, एक सिलाई का ही है, दूसरी सिलाई हमने सीधी ही बुन जानी। वैसे ही एक फंदा उतारा, दो फंदे बुने, इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। उल्टी सिलाई पूरी सीधी जाएगी, वो पूरी हमने सीधी बुन देनी, उसमें कुछ नहीं करना, बस एक सिलाई का ही डिजाइन है ये। आप चाहे अपनी मर्जी का डिजाइन भी डाल सकते हो, सीधा उल्टा ही बुन सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। जी देखो, नीचे मैंने डाला था, ऊपर भी। अब हमको आपको ये वाला दिखाती हूँ, ये वाला कैसे बनाना है। जब ये फंदा एक उतारा, एक फंदे के हमने तीन वाल देने,
हर फंदे को हमने एक दो और तीन, एक दो और तीन, एक दो और तीन, एक दो तीन, एक दो और तीन, देखो एक दो और तीन, हर फंदे को हमने तीन तीन बार ऐसे लगा लेना, एक दो तीन, 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 एक दो और तीन। फर्स्ट रो हमारी ये वाली डिजाइन की। सेकेंड रो, सेकेंड रो में क्या करना हमने, देखो ये हमने जो हमने वल दिए थे वो खोलने हैं। एक खोला, दो और तीन, तीनों का एक कर देना, एक दो तीन, तीन फंदों का एक फंदा, एक दो तीन, तीन फंदों का एक फंदा, एक दो और तीन, एक दो और तीन। एक दो और तीन, एक दो और तीन, एक दो और, ये देखो ऐसा आ जाएगा। अब हमारी तीसरी रो, पहले तो फंदा हमने उतारा, एक आगे से बुनना, एक पीछे से, और एक फिर आगे से। एक फंदे के हमने तीन फंदे बनाने हैं, जैसे हमने तीन का एक बनाया था ना, अब तीन के एक के तीन बनाने। एक आगे से बुन लेना, एक पीछे से, एक फिर आगे से, एक आगे से, एक पीछे से, फिर आगे से, एक आगे से, एक पीछे से, फिर आगे से, एक आगे, एक पीछे से, एक आगे से, एक आगे, फिर पीछे से, फिर आगे से, एक आगे पीछे। एक फंदे के तीन फंदे करने हैं, फोर्थ रो हमारी आ गई। फोर्थ रो में मैंने कुछ नहीं करना, सिंपल सीधी सिलाई चढ़ानी है, एकदम सिंपल सीधी। सीधी सीधी देखो,
अब आपको ये बॉर्डर था, ये हो गया, ये हमने सीधा सीधा बुना है। इसी तरह दूसरा पासा भी हम ऐसे ही बुन लेंगे, दूसरी साइड भी। दूसरी साइड मैंने इतनी बुन ली है, ये देखो। अब हम इस सेंटर में ये वाला डिजाइन बनाएंगे। अब जी पहले हमने 10 फंदे सीधे बुन लेंगे, एक दो तीन देखो। मैंने ना 42 फंदे डाले थे नीचे से, ऊपर मैंने एक एक फंदा इसमें बढ़ाकर 46 कर लिए। अब हमने ये साइड वाला पहला बॉर्डर रखेंगे, ये वाला। ये मैंने 10 फंदे रख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 फंदे इधर भी इस गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 फंदे इधर हो गए। अब हमने एक फंदा 12 करके ना हमने जाली डालनी, एक धागा आगे, एक 10 बॉर्डर के 12 वो वाले हो गए, और एक फंदा हमने दोनों तरफ से लेके जोड़ा लेके उसमें हमने जाली डाल दी, ये वाली। अब फंदे हमारे बढ़ने हैं, ये वाला पोर्शन बनाना हमने। बाकी सारे फंदे हमने सीधे बुन लेने। अब हमने फंदे बढ़ाने हैं, उल्टी सिलाई में हमने 10 फंदे सीधे बुनने, दो तीन चार पांच छ सात आठ 9 और 10, बाकी हमने उल्टे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ 9 10 11 12 13, और जो जाली हमने डाली थी वो भी हमने उल्टा ही बुनने हैं। इस तरह सारे फंदे हमारे उल्टे ही हो जाएंगे। दोनों तरफ से हमने 10 10 फंदे सीधे बुनने हैं दोनों तरफ से, बाकी सारी उल्टे उल्टे। सीधी सिलाई सीधे, उल्टी सिलाई में उल्टे। दो तीन चार और एक, ये हमारे सीधे आ जाएंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ 9 और 10, सीधी सिलाई। सीधी सिलाई में वो 10 फंदे तो हमारे सीधे ही आएंगे, वैसे सारी सिलाई सीधी ही जानी है।
जो आपको नजर आने लग पड़ेगा जहां आपने जाली डालनी है। ये देखो, ये चेन सी आ जाएगी पहले सेंटर में। इससे पहले एक जाली डालनी है आपने, धागा आगे करना और बुन लेना, फिर धागा आगे फिर बुन लेना, दो आपने जाली डाल लेनी है। इस तरह आपने ये देखो 1 2 3 4 5, 5 जाली आपने डालनी है। 1 2 3 4 5, 5 जालियां डाल के आप, फिर मैंने 1 2 3 4, 4 सीधी सीधी सिलाइयां मैंने चढ़ाई, 8 सिलाइयां मैंने सीधी सीधी चढ़ाई हैं। इतना आप बुन लो, फिर आगे आपको ये वाला पोर्शन बनाना सिखाऊंगी। 1 2 3 4 5, 5 जालियां डाल के 8 सिलाइयां ये डाल के फिर आगे आपको मैं दिखाती हूँ। जाली आपको नजर आने लग पड़ेगी, ये देखो नजर आने लग पड़ेगी। आप पूरा इतना बना लो, फिर आगे आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो मैंने ये बनाकर बना लिया। अब हमने ये वाला पोर्शन बनाना है। अब हमने इसमें अब 2 जाली डलेंगी दोनों तरफ से। सेंटर में हमारा सीधी सीधी सिलाइयाँ आएगी। ये कैसे आएंगे? पहले हमारे 10 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारे था ये आ जाएगी हमारे बॉर्डर के। फिर हमने 6 फंदे सीधे बुने और फिर 2 जाली, एक धागा आगे किया और 2, फिर 6 फंदे हमने बुनने, 1 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे हमारे फिर सीधे आ जाएंगे। अब हमारे ये वाले सेंटर वाले 8 फंदे हमारे ये बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमारा ये वाला पोर्शन बनेगा, फिर 1 2 3 4 5 और 6, फिर 2 जाली, एक धागा आगे किया एक जाली, फिर धागा आगे किया दूसरी जाली, फिर 1 2 3 4 5 और 6, 6 फंदे फिर हो गए। फिर हमारे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फंदे हमारे फिर रहे बॉर्डर के आ गए। उल्टी सिलाई जो हमने जो सीधे बुने थे हमने वो उल्टे बुनने हैं, जो हमारे बीच सेंटर वाला आएगा जो सीधे सीधे बुनने हैं। दोनों तरफ 3 सीधे सीधे बुनने के बीच बीच में हमारे ये सीधे उल्टे आ जाएंगे। उल्टी सिलाई, ये 10 फंदे हमारे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और 10 फंदे सीधे, बाकी उल्टे, 1 2 3 4 5 और 6, और जो हमने बढ़ाए थे फंदे वो भी हमारा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16।
जाली आ गई, एक दो तीन, ये हमारे फंदे आएंगे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, फिर हमारे उल्टे, दस फंदे हमारे, फिर एक दो तीन चार पाँच, दस हमारे फंदे फिर जे सीधे आएंगे। अब सीधी सिलाई, सीधी सिलाई में पहले तो दस फंदे हमारे सीधे जाएंगे, ये देखो ये हमारा, हमने जहां फंदा हमने बढ़ाना है, जो सीधा जहाँ फंदा आएगा ना, यहाँ इसके आगे एक फंदा बढ़ाना, फिर एक फंदा और बढ़ाना, दो जाली पड़ गई, फिर सीधे, ऐसे यहाँ सीधे सीधे आएंगे, बीच में देखो जहाँ भी एक जाली डल जाएगी ऐसे ही, ये वाला पोर्शन हम बना रहे हैं ये वाला। अब ये डाल के फिर हमने चार सिलाई सीधी सीधी डालेंगे, फिर एक एक ही जाली डालेंगे, दोनों तरफ से हमारे इतने इतने फंदे आ जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा इतना बुन लो, फिर आगे ये वाली जाली बनाना सिखाऊंगी। अब ये भी हमने एक दो तीन चार पाँच, ये भी डाल ली मैंने पाँच पाँच, ये भी डाल के फिर ये सीधा बुन लेना, फिर आगे आपको बताती हूँ कैसे बनना। ये भी सीधा बस बनाकर, जहाँ जहाँ आपको जाली नजर आएगी ये देखो सीधे बुन के, ये देखो यहाँ जाली नजर आ, अपने आप नजर आएगी, ये देखो धागा आगे फिर जाली, धागा आगे फिर जाली, जब दो पड़ गई हैं तीन और डालनी है, और फिर हमने आठ सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है, उसके आगे फिर ये हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे। इतना बना लो फिर आगे बताती हूँ। ये देखो ये इतना हो गया, बस आपने ना ये जाली जो डाली ना हमने, इसकी सेहत में ये जाली डालनी, और इन दोनों की सेहत में ये वाली, हाँ देखो ऐसे, देखो ऐसे आ रही है ना ये वाली, और ये सीधी सीधी आ रही है, ऐसे डालनी है। अब हमने यहाँ तक पोर्शन हमने बना लिया, अब हमने ये वाला पोर्शन बनाना है, जहाँ हमने 10 फंदे तो रखे थे जो बॉर्डर के, उसके बाद 10 फंदे हमने सीधे और बुन लिए, बाकी के फंदों के में 20 फंदे हो गए इधर, 20 इधर हो गए, बाकी दोनों को आधे करके हमने जाली डालनी है, इन दोनों को इतने जाली डाल दी, ये वाला ये देखो। अब हमने पहले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस फंदे हमारे हो गए जाली के, फिर हमने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस हमने सीधे सीधे बुन लिए, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह फंदे हमारे जे हो गए। अब हमने जाली डालनी, देखो
ये धागा आगे, बाकी फंदे सीधे, बाकी एक ही जाली डलनी है अब, ये वाला पोर्शन, ये वाला। बीस बीस फंदे सीधे बुनेंगे हम, बाकी सारे हमने उल्टे आएंगे बीच में, ये वाले ये उल्टे आएंगे और साइडों में सिर्फ बीस बीस फंदे हमारे सीधे आएंगे, सीधी सीधी सिलाइयाँ। उसके बाद वे फिर हमने चार सिलाइयाँ ये चढ़ानी है, आठ सिलाइयाँ, एक दो तीन चार। उसके बाद फिर इसकी सेत में आपने आधे आधे हिस्से कर लेने, साइड सेंटर में हमारे फंदे यहाँ ज़्यादा आ जाएंगे, ये देखो सेंटर में ज़्यादा आ जाएंगे दोनों तरफ से। फिर जाली बिल्कुल इसकी सेत के ऊपर जाली डालनी है आपने, ये वाली इधर इधर, समय लगी होगी शायद आपको, देखो ये बिल्कुल इसके साथ है, ये इसके साथ है ऐसे, ये देखो ऐसे जा रही, इतना बना लो ये वाला पोर्शन। उसके बाद ये आपको ये बता देती हूँ कैसे करना, बस आपने एक जाली डालनी है। पहले हमने दो डाली थी, ये देखो अब हमारी सेंटर में एक आ गई, इसकी सेंटर में बिल्कुल इसके सेंटर में आई है, इतना करके इतना बना लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखो हो गया, अब हमने ये वाला पोर्शन बनाना है। इसमें क्या करना है, हमने 10 फंदे थे हमारे ये बॉर्डर के आगे, उसके बाद हमारे 12 फंदे हमने फिर बुन लिए, 12 फंदों के बाद हमने फिर जाली डालनी है, इसके बिल्कुल सामने आ जाएगी धागा आगे, एक धागा आगे, दो, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह। अब हमने ये वाला पोर्शन बनाना है, ये सीधी सीधी सिलाइयाँ हैं, इसके लिए हमने ये हो गए, अब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस, गिन लेते हैं हम, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच, 14 फंदे हमारे बीच आएंगे, ये वाले 14 फंदे हमारे सीधे बीच में आ जाएंगे, ये वाले 14 फंदे हमारे बीच में। उसके बाद फिर 12 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर जाली डालनी है, फिर 12 बुनने और फिर 10 फंदे, बारह फंदे बुनने के बाद फिर हमारी जाली आएगी, ये देखो एक फिर बता देती हूँ। पहले हमारे 10 फंदे ये वाले बॉर्डर के, फिर 12 फंदे, फिर 2 फंदे की हमने जाली डाली, फिर 12 फंदे, फिर 14 फंदे, फिर हमारे 12 फंदे, फिर 2 जाली, फिर 12 फंदे और फिर बाद में 10 फंदे, ये वाला पोर्शन बनेगा, ये वाला। इसमें 2 जालियां आएंगी दोनों साइडों में, बिल्कुल इसकी सेत में आएगी, ये देखो इसकी सेत में ऐसा बनाकर ऊपर आपने फिर 2-4 सिलाइयां सीधी सीधी डालनी है, 4 इधर आ जाएगी, 4 इधर आ जाएगी, दोनों तरफ से हम बंद कर देंगे। इतना बना लो, फिर आगे आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो पूरा बन के तैयार हो गया, 108 फंदे मेरे ऊपर हो गए हैं। अब हम दोनों को ऐसे बंद कर देंगे सुई के साथ, ये देखो
कैसे करना है ये आप देख लो। पहला फंदा, पहला फंदा हमने उतार देना, जरा दूसरा बनाया वो नहीं उतारना। ऐसे ही पहला ऐसे, ये मेरा बन के तैयार हो गया। 108 फंदे मेरे ऊपर हो गए। मैंने दो सीधी सिलाइयां इधर चढ़ा रही है, दो सीधी इधर है। अब इन दोनों को हम ऐसे बंद कर देंगे। ये देखो बंद कैसे करना, ये देखो पहले फंदे को ऐसे, फिर फंदे को जो पहला फंदा हो हमने उतारना, दूसरे वाला नहीं उतारना। पहले इस सिलाई में सुई में आगे से, फिर पीछे से, पहले इधर से, फिर आगे से। आगे वाला फंदा हमने उतार देना। चाहे आप ऐसे पहले उतार दो, जैसे आपको आसान तरीका लगे, फिर ऐसे। ये वाला नहीं उतारना, ये देखो ऐसे आप पूरा बंद कर लो।
ये देखो ऐसे आ जाएगा। आप पूरा बंद करके आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो पूरा बंद करके आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखो बन के पूरा तैयार हो गया। ये देखो ये हमने जहाँ से हमने सिलाई की थी, देखो नज़र नहीं आ रहा। अब हम सिर के ऊपर ऐसे लगा कर इसे पूरा ऐसे घुमाकर रख के आसे पासे ऐसे घुमाकर यहाँ ऐसे लगा लेंगे। या हम एक ये लगाएंगे पोंपों और सेंटर में हमने यहाँ पर क्रोचिए के साथ ऐसे चेन सी बनाकर बाकी हम नीचे सुई की सहायता से कर देंगे। इधर हम ये लगा देंगे। ऐसे लगा कर इसके अंदर से ऐसे आप पूरा ऐसे राउंड से बनाकर फिर लगाएंगे। दोनों तरफ से फंदे एक जैसे ही होने चाहिए, पूरे पूरे जितने 108 इधर से 108 इधर ही होने चाहिए। ये बन के तैयार हो गया। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपको।